दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि KGF चैप्टर 1 से पहले रॉकिंग स्टार यश एक मूवी में काम करने का 5 करोड़ चार्ज करते थे और KGF चैप्टर 1 में काम करने के लिए इन्होंने 11 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। लेकिन चैप्टर 1 में काम करने के बाद इन्होंने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसकी वजह से ये मूवी इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, KGF चैप्टर 1 में यश के अलावा कई बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया है, जैसे कि अजय देवगन एंड रवीना टंडन। इन्होंने भी फिल्म में काम करने के लिए करोड़ों रुपए फीस चार्ज की है। आज की इस वीडियो में हम KGF चैप्टर 2 के स्टार कास्ट की सैलरी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर पसंद आया या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन के बारे में। रवीना ने इस मूवी में रमिका सेन का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसके लिए इन्होंने 80 लाख रुपए चार्ज किए हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस मूवी के न्यू कैरेक्टर की, जिसे कुछ दिन पहले ही रिवील किया गया है, जो कि है प्रकाश राज, और इन्होंने इस मूवी में काम करने का 1 करोड़ 30 लाख दिए गए हैं। अब बात करते हैं 24 न्यूज की चीफ एडिटर मलिका अविनाश की, जो इस मूवी में दीपा हेकड़े का रोल प्ले कर रही हैं। इन्होंने इस मूवी के लिए 40 लाख रुपए चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की, जिन्होंने इस मूवी के पहले पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ चार्ज किए थे, लेकिन KGF चैप्टर 2 के लिए इन्होंने काफी बड़ी रकम चार्ज की है। इन्होंने इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए चार्ज किए हैं और ये फीस कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट फीस है जो किसी भी डायरेक्टर को दी जाने वाली। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है रीना देसाई ने, जिसका कैरेक्टर निभाया है श्रीनिधि शेट्टी ने, और इन्हें इस मूवी के लिए 70 लाख रुपए दिए गए हैं। और अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े विलन की और सबसे ज्यादा रोबदार कैरेक्टर की, जिसकी दहशत इस मूवी में सबसे ज्यादा दिखाई जाएगी, और वो कैरेक्टर है अधीरा, जिसके लिए चूज किया गया है बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार संजय दत्त को। ये एक्शन मूवी, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी 5 जुबानों में रिलीज किया जा रहा है। संजय दत्त ने इस मूवी में हिंदी में डायलॉग्स बोले हैं, इसके अलावा बाकी लैंग्वेज में इनकी आवाज डब की जाएगी। संजय दत्त ने इस मूवी के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अगर KGF चैप्टर 1 की बात करें तो उस मूवी ने सिर्फ 50 करोड़ की कलेक्शन की थी, लेकिन KGF चैप्टर 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी। इस मूवी को कुछ ही दिन बाद रिलीज किया जा रहा है। इस मूवी को 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है। अब बात करते हैं इस मूवी के लीड एक्टर यश यानी रॉकी के सैलरी के बारे में। फिल्म में रॉकी का ख्वाब है कि उन्हें चाहिए दुनिया, और चैप्टर 2 में वो दुनिया को हासिल करते दिखाए दिए जाएंगे, लेकिन इनके रास्ते में आएंगे संजय दत्त यानी अधीरा, और इन दोनों के बीच में वायलेंट एक्शन दिखाया जाएगा इस मूवी में, जिसके बारे में खुद यश ने भी बताया है कि मूवी बच्चों के लिए नहीं है। यश ने इस मूवी में काम करने के लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जिसकी वजह से ये कनाडा इंडस्ट्री में काम करने वाले सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।